मानव में जनन काल की अवधि जब किशोर में वृषण तथा अंडाशय युग्म उत्पादित करने लगते हैं तब जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्म की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ 10 या 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 25 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्वता होने लगती है। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्वता लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होती है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी होती है जिससे कि वह अंडाणु में निषेचन के पश्चात युग्मज को गैर ग्रहण कर लेता है जिससे फलस्वरूप गर्भधारण हो जाता है। यदि अंडाणु में निषेचन नहीं पता चलता तब वह उसी स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय में मोटा स्तन उसकी अधिक रुधिर वाहिकाओं में सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिससे ऋतु रक्तस्राव अथवा रंजोधर्म कहते हैं। ऋतु रक्तस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला ऋतु रक्तस्राव यौवनारंभ में होता है जिससे रंजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतु श्रावण होने रुक जाता है। ऋतु श्रावण रुक जाने पर रंजो निवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतु रक्तस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियम होने में कुछ समय लगता है। चलिए आगे। ऋतु श्रावण चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा। इस चक्रण में अंडाणु परिपक्वता तथा इसका निर्मोचन गर्भाशय की दीवार मोटी होने में एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल होता है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजित होता है। गर्भाशय में विकसित विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं जैसे कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे 10.6 जिसमें लड़का अथवा लड़की। निषेचन अंडाणु अथवा युग्मज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निश्चित अंडाणु धागे से संरचना अथवा गुणसूत्रों में निहित होती है। अथवा अध्ययन 8 में स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से दो गुणसूत्र लिंग सूत्र एक्स वाई होते हैं। स्त्री में एक्स गुणसूत्र होता है, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अनिश्चेतित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है परंतु शुक्राणु के दो प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे में वाई गुणसूत्र पाया जाता है। चित्र 10.4 में एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु में निश्चित करता है। युग्मज में एक्स गुणसूत्र होने से मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु वाई गुणसूत्र तो युग्मज नर शिशु में विकसित होगा। आप जान गए होंगे कि जन्म से पूर्व शिशु लिंग धारण निर्धारण उसके पिता के लिए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के उसकी माँ का उत्तरदायित्व पूर्णतः निर्धार है एवं अन्यांग संगत है। 10.7 पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्राविक हार्मोन जननांगों को उसके हार्मोन द्वारा उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि अतः स्त्राविक ग्रंथि है जिसमें मस्तिष्क से जुड़ी थी। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड फिर एड्रीनल जैसे अधिक अन्य स्त्राविक ग्रंथि होती है। अंडाशय चलिए बूझो और पहली को याद है कि एक बार जब वह डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला फुला हुआ था, उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने बताया था कि काका गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जिसे थायराइड ग्रंथि कहा जा सकता है।
थायराइड ग्रंथि थायराक इक्सन हार्मोन का उत्पादित नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने बताया कि उनके फूफाजी मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उनका अंगनाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त नहीं कर रहा है। बुजोवन पहली ने उन्हें दवा खाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने बताया एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्त्रावित करती है रुधिर में नमक की मात्रा संतुलित करता है। एड्रिनेलिन नामक हार्मोन स्त्रावण भी करती। एड्रिनेलिन क्रोध चिंता उत्तेजना की अवस्था जैसे तनाव आदि के कार्य करती है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूषी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्त्रावण करती है। पीयूषी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्त्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। चलिए अब आगे 10.8 आप रेशम के कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र के विषय में पढ़ ही चुके हैं। झिल्ली को वयस्क शलभ बनाने तक उनके चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण जो चित्र 9.10 कहते हैं। कीटों के कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा मेंढक में थायराइड द्वारा स्त्राविक हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहा है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होता तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्धित नहीं हो सकता है। और 10.9 देखिए व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उसी व्यक्ति के स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर पर स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति में वैयक्तिक स्वच्छता एवं सफाई नियमित रूप से पालना पर्याप्त शरीर में व्यायाम करना चाहिए। किशोर अवस्था में जब शरीर में वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है।